आपके तो आपको तो शदीद इख्तलाफ है जिन लोगों ने इंटरव्यूज किए हैं इन रहनुमाओं के, तो आपके पास कोई इस तरह की ऑफर आई कि आपके पास कोई रहनुमा आना चाहता हो, इंटरव्यू देना चाहता हो, और अगर आए तो क्या करेंगे? हमारे पास भी मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं। आपने एक असूली तौर पर तय कर लिया कि आप इन लोगों के इंटरव्यू नहीं करेंगे? मैंने बिल्कुल ये तय कर लिया। मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त अगर हिरासत में हम बात करें तो मेरे ख्याल में अली नवाज अवान साहब वो इस वक्त अभी रूपोश हैं या गिरफ्तार हैं, हमें क्लियरली नहीं पता। तो मैं नहीं कर सकता। मुझे ये लगता है कि मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इससे सवाल उठता है। अगर आपने इंटरव्यू मेरे पास आया भी तो फिर मेरे जो सवाल होंगे वो इस तरह के नहीं होंगे जिस तरह के सवाल अभी तक ऐसे इंटरव्यूज़ में आप सुन चुके हैं। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि बताइए आपको मार कितनी पड़ी है, मेरा पहला सवाल के बाद दूसरा सवाल ये होगा कि किसके पास थे आप, किसने रखा हुआ था आपको, क्या डिमांड की जा रही थी आपसे। अगर तो ऐसे सवाल करने की इजाज़त है तो लाइए फिर बिठाइए मेरे सामने, किसको बताएं। अब ये जो तीन साहिबान अब तक इंटरव्यू दे चुके हैं, हमारा फ़ोन नहीं मिलता, उन्हें पता नहीं क्या चक्कर है। हालांकि तीनों के साथ आपका भी ताल्लुक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्रोग्राम बिल्कुल आते रहे हैं। बिल्कुल, शेख रशीद साहब के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किया, सदाकत अली अब्बासी साहब बहुत से रेगुलर गेस्ट, उस्मान डार साहब, सबके साथ, लेकिन हमारा तो रब्ता नहीं। तो आपने उनसे गिला नहीं किया कि मुझे आपने इंटरव्यू नहीं दिया उस वक्त? मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा, मैं तो अभी तक भी नहीं हो रहा मेरा, नहीं बिल्कुल रब्ता नहीं हो पा रहा। शेख रशीद साहब के बारे में मुझे पता लगा है उनका नया नंबर चेंज हो चुका है, सदाकत अली अब्बासी साहब नहीं मिल रहे, उस्मान डार साहब भी जो है वो हमें नहीं मिल रहे। आपको मिले तो ज़रूर मेरी गुजारिश कीजिएगा कि मंसूर अली खान आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्या ये इन इलेक्शन को, आपने पिछले इलेक्शन भी सारे कवर किया, इनको साफ शफाफ इलेक्शन कहा जा सकता है? डिपेंड करता है आपकी साफ़ और शफाफ की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अगर तो आप इलेक्शन डे वाले दिन अगर ये कहेंगे कि जनाब ठप्पे नहीं लगेंगे और पोलिंग बॉक्सेस जो हैं वो नहीं उठाए जाएंगे, उसको साफ शफाफ कहना है तो ठीक है, वो साफ शफाफ होंगे, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई मसला है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इलेक्शन डे वाले दिन से पहले आने चंद महीने पहले, चंद हफ्ते पहले जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो तब मेरे ख्याल में उसकी शफाफियत के ऊपर सवाल का निशान ज़रूर आएगा। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2018 के इलेक्शन से पहले आया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था, हुकूमत भी बन गई थी, हुकूमत चलना भी शुरू हो गई थी, 2024 के इलेक्शन थे, तो इसी तरह ही होंगे। एक तासुर इस वक्त ये है कि 9 मई का वाक़या तो हुआ, लेकिन बहुत से जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त हल्के में नज़र ही नहीं आते, हम बेलकों में जाते हैं जी, और तरीके इंसाफ का ना कौमी असम्बली का ना सूबाई असम्बली का उम्मीदवार, तो ऐसे में कैसे, यानी पीटी कैसे इलेक्शन लड़ेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ना एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। मुझे लगता है जैसे एक गुब्बारा होता है ना, एक गुब्बारे के अंदर जो है वो आप पानी भरना शुरू करें या हवा भरना शुरू करें, चले पानी की एग्जांपल ले लेते हैं, उसको आप भरना शुरू करते हैं, वो एक्सपैंड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और एक लिमिट तक जाके जो है वो पूरी कैपेसिटी में वो बलून जो है वो पूरी तरह भर जाता है। अब मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी यही सूरत हाल है।